निरंतर चलते रहो इस रंग बदलती दुनिया में, हर रोज नया अनुभव होगा इस रंग बदलती दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जो 3 जनवरी को हिंदी का पेपर हुआ था, हमने हिंदी की उत्तर कुंजी डाल दी और अभी डाल रहे हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान, जो पीछे 30 प्रश्न बचे थे उनकी उत्तर कुंजी। प्रयास ये किया है कि लगभग प्रश्न सही हो। शुरुआत करते हैं फटाफट, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ बिना किसी ज़्यादा ज्ञान दिए। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है, तो मेरे पास जो पेपर उसके अंदर चौथा उत्तर है विकासशीलता। अगला है, एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जा सकता है? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा अपना वो होगा संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। पहला, 123 देखिए, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। तो अधिगम के जो विभिन्न सिद्धांत है अपने, वो करते हैं अधिगम घटित होने में अभिप्रेरणा के महत्व की। आगे बात करते हैं, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? यहाँ पर 124 के अंदर हो जाएगा अपना तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 125 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर जो है वो है तीसरा, स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अन्य साथी भी मूल्यांकन कर सकें, और जल्द ही एक नई भर्ती की तैयारी की हम घोषणा करेंगे, उम्मीद है आप उससे भी जुड़ेंगे। सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। 128 नंबर प्रश्न है अपना, निम्नलिखित का सही युग्म बनाइए या बताएं। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा विकल्प है जो सही हो जाएगा, ए के अंदर 3। ए के अंदर 3 यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया की संरचना थार्नडाइक हो जाएगा। संकेत अधिगम बी के अंदर 4 यानी कि टोलमैन हो जाएगा। स के अंदर 2 क्षेत्र सिद्धांत यानी कुर्ट लेविन हो जाएगा, और अंतर्दृष्टि अधिगम फिर बचा जो कोहलर हो जाएगा। ये विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं, संज्ञान का अर्थ है। तो संज्ञान का जो अर्थ है वह भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। बात करें अगले की, अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है, किशोर अवस्था को माना गया। 131 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है? जानबूझकर मुस्कुराना। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संदर्भ। अगला देखिए, 133, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार ही नहीं है? यहाँ पर साथियों कहीं वेद संप्रेषण मान रहे हैं और कहीं स्व संप्रेषण, तो इसमें थोड़ा सा संशय है, कंफर्म होते ही मैं आपको अवगत करा दूंगा इससे भी। 134 है, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो, ये सिद्धांत है। तो ये सब ह्यूरिस्टिक विधि से संबंधित है। 35, आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है? तो प्रतिमान के माध्यम से आभासी अनुभव जो बेहतर दिया जा सकता है। 136 है, निम्नलिखित में कौन मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है? तो बुलेटिन है जो साहब एक प्रकार नहीं है। वहीं बात करें, निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है? योजना विधि। अगला देखिए, कक्षा शिक्षण के संदर्भ में शिक्षण एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? कौन सी जानकारी अपेक्षित नहीं है? तो विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम ये जरूरी नहीं है। शिक्षक छात्र और उस समय की तत्कालीन परिस्थितिगत चर, वो सारी की सारी चीज़ें महत्व रखती है। 139 है, किसे अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता? तो यहाँ पर जो है वो 4 नंबर, अपेक्षित मानदंडों के अनुसार छात्र अपने व्यवहार को टालने की चिंता व्यक्त करता है, ये
नहीं होगा यहां पर। 140 नंबर प्रश्न है अपना, इनको मिलान करना है, एक तरफ संज्ञानवादी अवधारणा, दूसरी तरफ मुख्य प्रवर्तक। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है दूसरा। अब देखते हैं, एक के अंदर सह यानी कि अभिग्राही अधिगम आसुबेल साहब का, दो के अंदर द सतत एवं गहन उपागम फोरेंस फेरेंस मर्टन साहब द, और तीसरा हो जाएगा अपने तीन के अंदर ए स्व नियमित अधिगम बेरी जिमरमैन, पीछे बचा विकासवादी सिद्धांत पर आधारित अधिगम, तो चार के अंदर हो जाएगा पियाजे साहब। इस प्रकार से 141 देखिए, 141 क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है, तो यहाँ पर पर्यावरण का माना गया है। 142 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए, सार्वभौमिक पाठ्यचर्या को सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। अगर थोड़ा सा समझ के प्रश्नों को पढ़ा तो लगभग आपके उत्तर सही होंगे। 143 देखिए, सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का करता है यहाँ पर प्रतिनिधित्व। 144 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, असत्य नहीं है वो बताना है, तो यहाँ पर होगा ये दोनों सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, ये यहाँ पर सत्य बात है। 145 नंबर है साथियों, सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है, तो इसमें पहला हो जाएगा सूचना प्रक्रम प्रतिमान का। अगला है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है, तो स्वयं है, स्वयं नाम से एक सिस्टम है, तो वो है जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं है, 147 में अध्ययन, 148 में निम्नलिखित में से किसे एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मूल्यांकन। शेयर कर दीजिएगा साथियों सभी को ताकि अन्य साथी भी देख सकें और मूल्यांकन कर सकें, और कमेंट करके बताइएगा किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं मनोविज्ञान के अंदर। 149 के अंदर है साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई है, तो वो जो है 149 के अंदर हो जाएगा, ये एक वन स्टॉप पोर्टल है, ठीक है। साक्षात 50 है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है, तो पहला ई विषय वस्तु का उत्पादन ये यहाँ पर असत्य नहीं है। तो ये थे विशेष प्रश्न साथियों, मेरा प्रयास रहता है हमेशा कि जितने समय में जो जानकारी दी जानी चाहिए उतने ही समय में दें, वीडियो को लंबा करने का मेरा कभी कोई उद्देश्य नहीं रहता, इस वीडियो को चाहें तो ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमें सीधा उत्तर से मतलब तो उत्तर बता दीजिए। जल्द हम रीट की तैयारी करवाने की और योजना बना रहे हैं, तो कौन कौन मित्र हैं जो इस प्रयास में शामिल होना चाहते हैं, तैयारी करने में या करने वाले हैं, तो कमेंट करके वो भी आप बताइएगा।